साल होंदे ओ मां बाप ने जिन्हां दा मासूम 13 सालां दा बच्चा एक खुले सीवर दे विच जा डिग्गिया जिसकी हाले तक तलाश की जा रही है ते बच्चे दा कोई सुराग हाथ नहीं लग्या। एनडीआरएफ दीआं टीमां भी इन्हां सीवरेज नूं खंगाल रहियां ने ते बच्चे की तलाश कर रही ने। मामला सोनीपत तो सामने आया है जिथे इलाके चो समय सनसनी फैल गई जो ये पता लग्या कि खेड़दा एक 13 सालां दा बच्चा खुले सीवर दे विच जा डिग्गिया है। जिस तो बाद मापिया तक गल पहुंची तो उन्होंने भी हत्था पैरां दी पै गई। तुरंत ही मौके ते पहुंच के उन्होंने वालों अपने बच्चे नूं तलाशन की कोशिश की गई पर वो बच्चा किते भी नजर नहीं आ रहा सी ते सीवर भी डूंगे ने जिस करके प्रशासन ते एनडीआरएफ दी टीमां मौके ते पहुंचिया ने ते एनडीआरएफ दी टीमां ही हुण सीवरेज खंगाल रही ने बच्चे की तलाश की जा रही है। दसिया जा रहा है विवेक जो कि 13 साल जिसकी उम्र है अपने दो साथियों के नाल खेड रहा सी ते खेड़दा ही इस खुले हुए सीवर दे विच जा डिग्गिया। हालांकि इत्थे वड्डी लापरवाही प्रशासन की दसी जा रही है कि प्रशासन दे वल्लों इत्थे ड्रेन का काम तो शुरू किया गया पर उसनों विचाले ही छड्डिया गया जिस करके कई थावां ते सीवर दे ढक्कन खोले हुए ने ते इसे करके ही यह हादसा वापरिया कि 13 सालां दा बच्चा इस सीवर दे विच जा डिग्गिया है जिसका अजे तक कोई भी सुराग नहीं मिलिया। मापे रो रो बेहाल हो रहे ने कि किसी तरीके भी उन्हों का पुत मिल जाए उसकी जान बच जाए। रब अगे अरदासा कर रहे ने कि बच्चा सलामत होवे। हाले तक बच्चा नहीं मिलिया है ते एनडीआरएफ दी टीमां जगह जगह ते सीवरेज खंगाल रही ने तां जो बच्चे नूं तलाश किया जा सके। उधर ही मापिया दे वलों इत्थे प्रशासनिक अधिकारियों ते मुलाजमां दे खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है कि जिन्हां दी लापरवाही है ड्रेन का काम विचाले छड्डिया होया है सीवर दे ढक्कन खोले हुए ने किसी तरह का कोई बैरियर नहीं लगाया होया तां जो पता लग सके कि इत्थे खतरा है या सीवर दा ढक्कन खुला है। बस इसे तो अनजाने बच्चे जो इत्थे खेड रहे सन तो उन्होंने एक विवेक नाम का बच्चा जो 13 साल का इस सीवर दे विच डिग गया ते गायब हो गया है। हाले तक उस बच्चे का कोई भी पता नहीं लग्या है। बच्चा लापता है। मापे रो रो बेहाल हो गए ने कि उन्हों का पुत अजे तक नहीं मिलिया। ऐसा हुआ था बच्चा आ रहा था उधर से घूम घाम के। कितने साल का? 13 साल का बच्चा था। क्या नाम बच्चे का? विवेक। कौन से स्कूल में है? ये सरकारी स्कूल पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? छठे में। कैसे क्या हुआ? हुआ का जो मंडी कहाँ से आ रहा होगा कुछ मंगाया होगा वो गिर गया इसमें। किस टाइम की घटना ये? ये है 3 बजे करीब। 3 बजे करीब। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जितन है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बताइयों जिले के हैं। गाँव में आओ क्या मांग करते हैं प्रशासन से? बच्चे निकाल दो हमारे और कुछ मांग नहीं करते हैं। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ रह रहे हैं 7-8 साल हो गए। यहाँ पर किराए पर रहते हो? किराए पर रहते हैं। कौन सी जगह रहते हो? ये यहाँ पर सुनो समझो लेकर दीपक सर्विस हमारा मालिक है। बच्चा गिरा है शिविर में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी टीम हमने लगा रखी है हमारी सुपर सकर मशीन और ऑक्सीजन मास्क से हमने टीम देखे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसमें 2 मैनहोल में भी सर्च कर लिया 3रे मैनहोल में भी चल रहा है। साथ ही एनडीआरएफ रोहतक से भी अभी बात करी है तो उनसे भी टीम की रिक्वेस्ट करी है जो इस तरह की कोई गैसेज में ठेकेदार की लापरवाही से ही हादसा हुआ। हाँ अभी जिनकी भी लापरवाही होगी उस पर तो कार्रवाई होगी। अभी हमारा मेन उद्देश्य जो है वो बच्चे का ट्रेस आउट है सबसे पहली प्रायोरिटी वो है और जिनकी लापरवाही है जिम्मेदारी है वो डेफिनेटली तय की जाएगी। सर बच्चे की आयु कितनी थी कि कब ये घटना? ये लगभग 3:30 के करीब की जैसा कॉल आया और बताया कि भी कोई बच्चा पतंग वगैरह का या कुछ था और वो बैकवर्ड टर्न करते हुए पर बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा है और टीम पूरी अभी लगी हुई है। हम बाकी जगह से मदद मांग रहे हैं एनडीआरएफ से और कुछ और भी ज़रूरत बनेगी जिसकी लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। देखिए ड्रेन नंबर 6 के जो है ढकने का काम चल रहा था और जो इसके साथ साथ जो सीवर लाइन है उसमें 11 साल का बच्चा जो है जैसी सूचना मिली है वो लगभग 3 बजे शाम को जो है मेन हॉल में गिर गया था और उसके पिता ने जो है बचाने की कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं सके क्योंकि जो है और अभी जो है उसको ढूंढने का काम चल रहा है। लगातार नगर निगम की टीम जो है यहाँ पर काम कर रही है। सर कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है नगर निगम की और ठेकेदारों की लापरवाही है कि उन्होंने जो है मेन हॉल के ऊपर जो है ढक्कन रखने का काम जो है समय से नहीं किया जिसकी वजह से जो है ये हादसा हुआ है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाई जाएगी। सर क्या लगता है कि पहले भी कई बच्चे इस तरह पढ़ चुके हैं
शिविर में? देखिए अभी तक जो है यहाँ पे कोई सूचना ऐसा पहले घटना नहीं हुई है, ये पहली ऐसी घटना है और ठेकेदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई करवाई जाए। सर किस तरह से बच्चे को निकालने का प्रयास? अभी जो है निकालने के लिए नगर निगम की टीम लगी हुई है, ऑक्सीजन की पाइप लेके जो है वो आए हुए हैं, एक एक मेन हॉल के नीचे जो है टीम को उतारा जा रहा है ताकि बच्चा मिल सके।